TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. चलो अब तुम गेस करना कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाया है. अगर तुमने बता दिया तो वो चीज तुम्हें खाने के लिए मिलेगी. ओके. मैंने खास तेरे लिए खीर और पूरी बनाई. ऐसी बात है तो फिर अपने आज हाथ से ही खिला दे मुझे. जरूर खिलाऊंगी. लिखा भाभी मिल गया आइडिया. क्या मंजरी माँ से उनका सच अब वैभवी का भूत उगलवाएगा. मतलब आप मुझ पर छोड़ दीजिए भाभी. अब जैसा जैसा मैं आपको कहूंगी बिल्कुल वैसा वैसा कीजिए. अब वक्त आ गया है वैभवी के भूत को जिंदा करने का. कैसी आवाज आ रही है? मेरा फोन कहाँ चला गया? ये आवाज तो बाहर से आ रही है. ये अमावस्या की रात आप पे बहुत भारी पड़ने वाली है. बहुत खेल खेले मैंने. मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत कर. तू मेरे कमरे में आई थी और मेरे मिरर पर खून से लिखा कि वैभवी वापस आ गई है. हाथ दिखा. हाथ दिखा नहीं तो घर के सारे लोगों को यहाँ पे बुला के मैं तेरा पर्दाफाश कर दूंगी. माँ दिखा. दिखा माँ मैं कह रही हूँ ना कुछ खोल. दिखा. अब तेरी पोल खुल चुकी है. अब वैभवी के नाम से मुझे डराने की कोशिश मत कर. माँ का यही डर उनके मुंह से उनका सच उगलवाएगा. स्थिति कहाँ चली गई? ये क्या हो रहा है? तो ये वैभवी का भूत बुरा तो नहीं मान गया? तुम मर चुकी थी ना? हाँ मैं मर चुकी थी लेकिन मैं वापस आ गई हूँ अपनी मौत का बदला लेने के लिए. मैंने कुछ नहीं किया. मुझसे दूर रहना. सिद्धि मुझे बचाओ. ये तो सुपरस्टार वीर कुंद्रा जी है. अरे अरे पैसे भी नहीं लगे. अरे आ जाइए एक बार. अरे आप गाड़ी में बैठे. मैं इन दोनों को साथ नहीं जाने दे सकता. अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे. मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा. 10 मिनट के रास्ते में तुम्हें 5 घंटे क्यों लग गए? जब हम सफर इतना खूबसूरत हो और मौसम इतना बेईमान हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता. इन दोनों का अंदाज बता रहा है कि इन दोनों ने बारिश में अपने अरमान ठंडे कर लिए हैं. लेकिन मैं इस पहले मिलन को आखिरी मिलन में बदल दूंगा. मिस्टर शंकर इनकी तबीयत खराब होती जा रही है और बेसिक मेडिसिन का असर बिल्कुल नहीं हो रहा. शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग. तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में शॉक थेरेपी ही देना पड़ेगा. ये शॉक थेरेपी की तकलीफ और बार बार वैभवी के दिखने का खौफ बहुत जल्द माँ को तोड़ देगा. और जैसे ही उनका आत्मबल टूटेगा वैसे ही उनके मुंह से सच फूटेगा. अरे देवा मेरे मुंह से तो कल निकलने ही वाला था कि वैभवी को मैंने मारा है. अगर सबको पता चल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता. पता नहीं क्या हो जाता. ये मैं भूली चली क्यों नहीं जाती? लक्ष्मी चली गई कांता चली गई लेकिन ये क्यों नहीं जाती? हाँ इसे क्या चाहिए मुझसे?
क्या चाहिए मुझसे? कौन सी इसके अरमान बाकी रह गए हैं? मैं क्या करूं इसके लिए? मैं पापा से पूछती हूँ, पापा वही कोई उपाय बताएंगे। हाँ वही बता पाएंगे, पापा ही बता पाएंगे। वीडियो कॉल करती हूँ पापा को। निरंजन। प्रणाम पापा जी, आपने कहा था कि आपने जो विभूति दी है उससे सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे, लेकिन पापा जी कल रात को मैंने उसको फिर से अपने घर में देखा, उसी प्रेतात्मा को। क्या माँ चामुंडा की विभूति से भी वो भूत नहीं भागा? ये कैसे हो सकता है? कितनी हिम्मत, सब खराब। उनकी इतनी हिम्मत मेरी इतनी बेइज्जती करे। मैं सब चला दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। आज साला किस्मत ही खराब है, कभी प्राची तो कभी रूप। सब खत्म कर दूंगी मैं। आपके लिए हल्दी वाला दूध बना के लाई हूँ अपने हाथ से। माँ सो गई ना? जीजी सो चुकी है। आज की रात माँ की जिंदगी की सबसे मुश्किल रात होगी, उनके फरेब की आखिरी रात, और कल सच का सूरज निकलेगा। पॉन्ड्रिक की असीम ईश्वरीय शक्तियों से प्रभावित कंस भागता है युद्ध छोड़ के। काशी के पश्चात दूसरी धर्म नगरी है उज्जैन, जहाँ संत शिरोमणि ऋषिवर संदीपनी का आश्रम है। अर्थात सका सुदामा के अचार्य होने की योग केवल ऋषि संदीपनी ही है। कृष्ण कथाओं में जुड़ता है एक नया अध्याय, आरंभ होती है कान्हा तथा सुदामा की शिक्षा यात्रा। सरप्राइज टाइम बॉम्ब। अब टाइम बॉम्ब नहीं लगाऊंगा तो तुम लोग कैसे मरोगे? हाँ 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवान का जन्मदिन होगा और तुम लोगों का होगा मरण। मैं मंदिर गया था भाभी और बाबूजी की सलामती की दुआ मांगने, तो मैं वापस घर आ रहा था तो मुझे एक स्वामी जी मिले। उन्होंने मुझे ये शंख दिया और कहा कि ये शंख सब लोगों का कल्याण करेगा। काम हो गया है, हम लोग सामान लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा है, बहुत दूर लेकर जाना उनको, समझे? ठीक है, बस अब शादी तक नाटक, फिर श्रीवास्तव परिवार के लोग खुद ही आएंगे, कहेंगे मिट्टी नहीं रही। तो तुम घबरा रही हो मुझसे, इस शादी से? आई लाइक इट। पुष्कर जैसा दिखता है वैसा नहीं है, शादी करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। घबराए हुए हाथों से सुबह की चाय पीने का मजा ही कुछ और है। मेरी छोकरियां हमारे घर के अंदर नहीं आ सकती। Are you even listening to me? तुम मेरी बात सुन भी रही हो? पुष्पा, पुष्पा हाँ, तुम तो मेरा असली नाम जानती हो ना? सौ है तो दीजिए ना, हम आपको देते हैं। पटवा बुलाया हूँ। रुको है, लेकर आते हैं सौ। अरे भाभी जी, आप कहाँ जा रही हैं? ये पकड़ 500 रुपया, कीप द चेंज। कहाँ से इतना पैसा भी तुम लोग? एक फाइनेंस कंपनी है, बाद में अगर 100 रुपया डालो ना तो दूसरे दिन डबल करके देती है। पर कितने भी डालो। हाँ भैया जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कभी सुना ऐसा कभी होता है? कोरी बकवास है ये। देखो अगर तुमने मुझे आज सपोर्ट नहीं किया ना तो तुम जिंदगी भर पछताओगी, बिकॉज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा ठीक है ओके दे दूंगी।